वरि वर्किनि इम्यूनोलॉजी तो वी एज तो इसके दो वर्ड न्यूट्रिशनल एंड इम्यूनोलॉजी अच्छा इसके अंदर जो है हमारे पास एक वर्ड आ गया न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन से हमला था कि हम जो भी खाना पीना खा रहे हैं हमारी डाइट एंड ऑल दो थिंग्स और सेकेंड थिंग जो आ गई वो हमारी क्या आ गई इम्यूनोलॉजी यानी कि इम्यून सिस्टम समथिंग के जो चीज़ इम्यूनिटी से रिलेटेड है जो चीज़ जो है वो हमारी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेडर्स उससे रिलेटेड है तो अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर हमने ये पढ़ना है कि हाउ इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर तो न्यूट्रिशन इम्यूनोलॉजी क्या हो गई अ फील्ड ऑफ स्टडी टू अंडरस्टैंड हाउ न्यूट्रिशन स्टेटस इन्फेक्शन एंड इम्यून सिस्टम इंटरक्ट टू अफेक्ट हेल्थ एंड डिजीज अगर आपको डेफिनेशन आ जाती जा है आपने इज यही वर्ड उठाने क्योंकि ये मैंने स्लाइड से एज एजटीज उठाया है अब इशू क्या है कि इस सब्जेक्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू यू एफ हमारे सिस्टम के मुताबिक इशू सिर्फ ये है कि सर ने ना एज वर्ड्स चेक करने थे तो अब एक चीज ये है कि आप लिखो कि इन द ब्रांच ऑफ न्यूट्रिशन और द फील्ड ऑफ स्टडी इन वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी या इम्यून फंक्शन ऑफ बॉडी वर्ड चेंज है बेसिक कॉन्प्ट ठीक है वो गलत हो जाता है दैट्स हाउ बिकॉज इनके स्टूडेंट चेक कर रहे थे सर के तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट आवर ग्रेड्स तो आपने कोशिश करने की ऐसी चीजें जैसे तो इम्यूनिटी होती है किसी भी बॉडी की रेजिस्ट करने की अम्यूनिटी क्या से है आप लोग इस इन वर्ड से वेल नॉन है कि पैथोजन होता है या कोई भी पैथोजन से मरादे कोई भी इन्वेडर बैक्टीरिया है वायरस है इस तरह की कोई भी चीज जब बॉडी में एंटर करती है तो उसके खिलाफ जो हमारी बॉडी रिजिस्ट करती है उसको डिजीज फैलाने से बचा के रखती है रोकती है ये हमारी इम्यूनिटी होती है डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल एंड डेड सेल अच्छा एक तो ये इन्वेडर होता है इन्वेडर होता है एक तो ये होगा ना कि बाहर से कोई बैक्टीरिया एंटर करके कोई वायरस एक और चीज होती है जिसे कैंसरस सेल कहते हैं कैंसरस सेल वो चीज़ है जो आपके अंदर बन रही है ठीक है तो उसके खिलाफ भी काम करना वो भी आपकी इम्यूनिटी काम करती है ठीक है जो कैंसर सेल होते हैं जो ट्यूमर सेल होते हैं वो ब्लड इकट्ठे ब्लड सेल्स काफी सारी आउट ग्रोथ हो जाती है बहुत ज्यादा हाई लेवल पर ग्रोथ होती है तो जिसमें लोथड़े होते हैं तो जिस ना जिसको आप कहते हैं गुच्छे बन जाते हैं सेल के उससे आप कैंसर सेल कह रहे होते हो तो वो जो है वो उसके खिलाफ भी काम करना है, जो है वो इम्यूनिटी का काम है ठीक है डेड डेड सेल्स अब सेल से क्या मुराद है ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट इसलिए दूंगा कि सिर्फ ग्रेड्स आर नॉट द थिंग फिफ्थ सेमेस्टर में आके आई थिंक चीजों को सीखना एक बेहतर जो एक अगले लेवल की चीज़ होती है कि अगर आपसे कोई कल कोई कोई पूछता है और डेफिनेटली डॉक्टर्स पूछते हैं तो यू शुड हैव द आंसर डेड सेल्स से क्या मुराद है डेड सेल्स मुराद ये है कि आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स हैं वो 120 दिन की उनकी लाइफ होती है 120 दिन के बाद वो खत्म हो जाते हैं ठीक है ठीके? और बॉडी खुद उन्हें तोड़ती है ठीक है ताकि वो क्योंकि वो ओल्ड सेल हो जाते हैं और वो सिर्फ एक न्यूट्रिशन ले रहे हैं हमारे जिसम से हमें कुछ बेहतर प्रोवाइड नहीं कर रहे होते ना वो प्रॉपरली ऑक्सीजन कैरी कर सकते होते हैं तो उन्हें हम बॉडी खुद ब खुद खत्म करती है ठीक है तो उससे हम कहते हैं स्कवेंज डेड सेल्स उनको डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय आउट कर देना ठीक है तो वो भी हमारी इम्यूनिटी का काम है क्योंकि अगर डेड सेल वहाँ पर रहते हैं जो सेल मर जाते हैं इंजरी में वो भी और जो एक प्रोसेस के थ्रू एक नेचुरली नेचुरली जिनको हम हमारी बॉडी डेट कर देते हैं वो भी उनको एज अ जो है उनको थ्रू केमिकल जो है ना या इंजाइम्स के एक्शन के थ्रू उन्हें खत्म कर दिया जाता है ताकि वो हमारे बॉडी का मजीद पार्ट न रहे क्योंकि अगर वो जिंदा रहे तो वो न्यूट्रिशन लेते रहेंगे लेकिन बदले में कोई न, कुछ नहीं देंगे तो बॉडी का एक नुकसान ही होता है आगे बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी की टाइप्स में पहले ले आए न्यूट्रिशन एंड इम्यून जो इम्यूनिटी है वो मैं थोड़ा सा आगे ले गया हूँ तो हम न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी के अंदर जो चलेंगे

क्यों क्योंकि वो हमारी बॉडी पे एक, एक एक्स्ट्रा बोर्ड हो, बोझ होंगे एक बर्डन होते हैं तो इसमें को खत्म करने के लिए हमें इम्यूनिटी की जरूरत होती है तो आप हर तरह के सेल्स जो से है उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो इम्यून सिस्टम बेसिकली जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से चल है उसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम है हमारे पास सप्पिन है थाइमस है और बोन मैरो है ठीक है बोन मैरो होता है हड्डियों के दरमियान जो सॉफ्ट हड्डी होती है वहां से नए सेल्स बन रहे होते हैं ये बोन मैरो इज द साइट फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोडक्शन रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन ठीक है तो यहाँ सेल्स बेसिकली बनते हैं और जो टी सेल्स होते हैं टी सेल्स हम आगे जाके बात करेंगे बहुत सारे जो है ना वो सेल्स होते हैं इम्यून सेल्स काफी तरह के टाइप्स के इम्यून सेल्स हैं मैं लास्ट पे आपको एक्स्ट्रा इंफॉमेशन के तौर पर बताऊंगा आपकी स्लाइड्स के अंदर नहीं है इफॉर्मेशन तो वो बाद में मेच्योर भी होने तो वो थाइमस में मेच्योर होते हैं स्प्लीन है लिम्फेटिक सिस्टम है जिस तरह आपके जिसम के अंदर खून की नालियां चल रही है ना जहां जहां खून जा रहा है वहां उसके साथ एक और प्रॉपर पूरा एक नालियों का सिस्टम है वेसल्स का एक पूरा सिस्टम है जिसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि जैसे ही खून से कोई चीज बाहर आती है फर्ज कर लो कैपरेज से या वेसल से कोई चीज स्क्वी, स्क्वीज आउट होकर बाहर आ गई तो वो फॉरन से किस में आ जाती है लिम्फेटिक सिस्टम में आती है और लिम्फेटिक सिस्टम वापस उसे खून वाली जो नालियां उसके अंदर भेज देता है मैं यहाँ पे गूगल करके आपको इसका सिस्टम दिखाता हूँ देखो जैसे ब्लड सेल्स होते हैं वैसे ही चेहरी होती है उसके साथ साथ होती है जैसे इस पॉइंट पे फर्ज कर लो कोई चीज बाहर आ गई तो यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम पकड़ेगा और अगले किसी पॉइंट पे जाके दोबारा उसको वापस उन चीजों में क्या कर देगा इंसर्ट कर देगा ठीक है तो ये आ गया आपका लिम्फेटिक सिस्टम आ गया अच्छा इसके बाद जो है हम चलते हैं आगे तो आगे दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है एक होती है इेट इम्यूनिटी दूसरी आगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्नेट इम्यूनिटी इज बेसिकली जो कि जिसको आप कहते हो नेचुरल इम्यूनिटी या आप ऐसे कह लो कि जो बाय बर्थ होती है इेट होता है बाय बर्थ होना यानी कि आपने एक्वायर नहीं किया और दूसरी इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो एक टाइम के बाद एक प्रोसेस से गुजरने के बाद इम्यूनिटी एक्वायर करते हो इट इम्यूनिटी डोमिनेट इम्यून रिस्पॉन्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब इेट इम्यूनिटी है जैसे मिसाल के तौर पर आपकी स्किन को बहुत सारे इंसेक्ट्स क्रॉस नहीं कर सकते बहुत सारे बैक्टीरिया आपकी स्किन को क्रॉस नहीं कर सकते ठीक है अब जब वो क्रॉस नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं होंगे इंसर्ट नहीं होंगे तो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो जो स्किन है ये हब हाथ जैसे बच्चा पैदा होता है उसकी स्किन है ठीक है स्किन बचा रही है तो स्किन ने सीखा नहीं है ऑर्गेन जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करना या आपने अडॉप्ट नहीं की स्किन स्किन पहले से थी और हर एक चीज के खिलाफ आपको बचा रही थी तो ये एक इन्ड सिस्टम है जबकि दूसरा जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म या कोई इन्वेडर बॉडी में जाता है बॉडी में इंसर्ट हो जाता है अंदर चला जाता है तो वह वहां पर जाके क्या करता है डिजीज कॉज करता है तो हमारे बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद है वाइट ब्लड सेल्स उनके खिलाफ काम करते हैं जो अब दो तरह के वाइट ब्लड सेल्स हो जाते हैं ब्लड सेल्स अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है एक वो जो लड़ रहे होते हैं यानी कि मुजाहिदीन सिपाही और दूसरे दानश्वर जो कि याद रखते हैं कि ये वाला था हमारा मुखालिफ ठीक है ये बैक्टीरिया था या ये वायरस था जो कि हमारे जिसम के अंदर दाखिल हुआ था तो जो किलर सेल्स जो फाइटिंग वाले होते हैं वो लड़ते हैं और उनको खत्म करते हैं और जो दूसरे सेल्स होते हैं उनको याद रखते हैं तो अब उसका फायदा क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब सेम बैक्टीरिया सेम वायरस आता है तो उन्हें बॉडी को पहले से पता होता है कि ये वही है और उन्हें पता होता है कि हमने इसको मारना कैसे है पहली बार जब वो आया था तो उन्हें सीखना पड़ा कि हमने इसको मारना कैसे है इसको खत्म कैसे करना पड़ना और उसमें बहुत सारे सेल मरते भी हैं ठीक है वाइट ब्लड सेल्स लेकिन जब दूसरी बार वो आया तो उन्हें पहले से पता था कि ये आएगा तो इस तरह का रिस्पॉन्स देना बॉडी फौरन से रिस्पॉन्ड करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है तो ये क्या किया बॉडी ने सीखा तो ये जो सीखने वाला काम है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी और जो इन इम्यूनिटी है वो उसके अंदर कुछ सीखने वाला काम नहीं होता स्पेसिफिसिटी के अंदर कहता है कि इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है और वाइड रेंज है नॉन स्पेसिफिक से मुराद ये है कि अब स्किन है तो स्किन को नहीं पता कि कौन से पैथोजन को नहीं रोकना वो सबको रोकेगी कोई पैथोजन बैक्टीरिया वायरस कोई भी अः कीड़े मकोड़े आपकी स्किन को क्रॉस नहीं कर सकते ठीक है तो ये एक नॉन स्पेसिफिक है कोई भी नहीं कर सकता ठीक है हर एक को एक तरह का रिस्पॉन्स देगी है हर एक को एक ही तरह रोकेगी स्किन ठीक है तो इट इज एन एन्यट इम्यूनिटी और तकरीबन तमाम की तमाम चीजों को रोक देगी तो ये नॉन स्पेसिफिक है और वाइड रेंज है दूसरी तरफ जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये स्पेसिफिक है तो जिस तरह का ऑर्गेनिज्म आएगा उसी तरह का एक्शन होगा अभी समझा के हटा बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं बेसिकली दो तरह के सेल्स होते हैं इम्यूनिटी के अंदर तो इम्यून स्पेसिफिक इम्यून जो होते हैं वो क्या करते हैं इसके अंदर वो आ, याद रखते हैं और अगली बार जब वो बैक्टीरिया आएगा तो उसके मुताबिक उसे एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया स्पेसिफिक वायरस या स्पेसिफिक पैथोजन के मुताबिक जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे तो दे आर स्पेसिफिक ठीक है वो ऐसा जनरल रिएक्शन नहीं देंगे जनरल रिएक्शन क्या होता है कि एक्सपाई है वो बंदूकें चला दे और चला दे हर तरफ ठीक है और एक होता है जिसको पता है कि हमने अगर सिपा सलार को मार दिया तो बाकी सलारा वो हो जाएंगे गायब तो उसे पता है इस चीज का सही तो है तो ये चीज होती है ये स्पेसिफिक है ठीक है उसके बाद वो कहते हैं बैरियर दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी के अंदर जो नेट इम्यूनिटी है इसके अंदर हमारे पास जो इनिटी उसके अंदर दो तरह के बैरियर है पहला बैरियर है सरफेस बैरियर सरफेस बैरियर स्टैंड फॉर स्किन अब स्किन से क्या मुराद है कि स्किन हर तरह की स्किन है आपकी ठीक है आपकी बाहर वाली स्किन भी जो आपकी या, आ, आउटर बॉडी स्किन है ये भी और दूसरी जो आपकी इनर लाइनिंग्स होती हैं जैसे आपकी सांस की नाली जा रही है उसके अलावा आपकी खाने वाली नाली जा रही है जो ठीक है तो इसके इनर लाइनिंग की जो स्किन होगी वो भी इसी पार्ट में आ जाती है क्यों क्योंकि जाहिर सी बात आपके खाने के साथ भी बैक्टीरिया और वायरसेस अंदर जा रहे हैं आप सांस लेते हो तो भी अंदर जा रहे हैं ठीक है तो ये वाली जो स्किन होती है ये जो इनर लाइनिंग होती है ये उसको प्रोटेक्ट करके रखती है ठीक है तो ये और दूसरे होते हैं केमिकल बैरियर केमिकल बैरियर कोई भी लिक्विड फॉर्म ऑफ बैरियर जैसे सलाइवा थूक उसके अंदर बहुत सारे जो है ना एंटी बै, बैक्टीरियल कॉम्पोनेंट मौजूद होते हैं उसके अलावा स्टमक एसिड स्टमक एसिड है एसिड जैसी कोई चीज अगर खाने के थ्रू कोई बैक्टीरिया या वायरस आपके मेदे तक पहुंच गया तो मेदे में एसिडिटी इतनी ज्यादा हुई होती है कि वो तकरीबन तमाम के तमाम बैक्टीरिया को जलाब भून देती है भस्म कर देती है ठीक है तो ये तो होता है इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होते हैं इम्यून सेल्स होते हैं उसकी जो इम्यूनिटी है वो ये है कि जब खून के लेवल तक चले जाते हैं खून के अंदर जब वो जो है वो दाखिल हो जाते हैं जो आपके इन्वेडर्स हैं तो फिर वहां पर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बी एन टीफोसाइड प्रोड्यूस होते हैं और वो बी एन टीफोसाइड क्या है उसके खिलाफ एक स्पेसिफिक तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको वो जिससे वो किल भी करते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए उसको याद भी रखते हैं अच्छा आपके पास जो इनेट इम्यूनिटी है इसके अंदर नंबर ऑफ मैकेनिज्म है डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो ये काम करती है उसके अंदर आपके पास इन्फ्लेमेशन आ गया फेगोसाइटोसिस आ गया एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन आ गया फीवर आ गया अब इन्फ्लेमेशन क्या है मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म है जो इनेट इम्यूनिटी में होते हैं और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फ्लेमेशन फर्स्ट लाइन इसके अंदर बेसिकली इनट इम्यूनिटी के अंदर दो लाइन ऑफ डिफेंस होती है पहली लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इम्यूनिटी क्या कहता है सेंस वायरस बाय पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इन्फ्लेमेशन फॉर वायरस जैसे ही वायरस आपकी बॉडी में इंसर्ट हो गया खून तक लेवल तक नहीं गया या स्किन के जरिए उसने इंसर्ट करने की कोशिश की तो या वैसे थ्रू माउथ या थ्रू सांस के जरिए इंटर्ट करने की कोशिश की तो इनके पास होते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर ये स्पेसिफिक टाइप को पैटर्न स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रिसेप्टर होते हैं बॉडी के पास तो वो उसको रिसेप्ट को सेंस करते हैं वायरस को और उसके खिलाफ इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट कर देते हैं कि इंफ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है सोजिश हो जाना तो सोजिश होने से क्या होता है कि वो वहां का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और वहां इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां

इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर दिया दूसरी तरफ है केमिकल सिग्नल्स का प्रोड्यूस हो जाना केमिकल सिग्नल जो है वो ड्यूटी uh, इंजरी भी प्रोड्यूस हो सकते हैं जिस जैसे आपके हाथ पे इंजरी हुई है तो जिस साइड पे इंजरी होती है वहां से केमिकल रिलीज होते हैं और वो केमिकल जाके इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं कि वहां पे इंफ्लेमेशन हो जाए और फीवर को प्रमोट करते हैं ताकि बॉडी गर्म हो जाए जब वो पार्ट जो फीवर हो जाता है जहां पे और इन्फ्लेमेशन सोजिश हो जाती है तो वहां से सिग्नल्स और सिग्नल रिलीज होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव सेल्स यानी कि जो आपके जितने भी इम्यून सेल्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सेल्स हैं हैं फैगोसाइटोटिक भी है, और उसके अलावा बी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को वो माइक्रोफेजिस भी आते हैं न्यूट्रोफिल हैं इस uh, तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा तो इस तरह के डिफरेंट सेल्स को वो प्रमोट करते हैं उनको सिग्नल करता है और वो आके फिर अपना एक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन होती है दूसरी होती है ender, phagocytosis. Phagocytosis, के 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 अंदर 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 फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस क्लास चैप्टर हम पढ़ के आए हैं कि सेल जो होता है एक सेल क्या करता है खा जाता है ठीक है सेल खा जाना सेल का खा सेल खा लेता है तो यहाँ पे अगर मैं फेगोसाइटोसिस आपको दिखाऊं तो मुझे खूबसूरत डायग्राम वो ही मिल जाए जाएसाइटोसिस ये वाली देखो बैक्टीरिया आया तो ये जो सेल है ये समझ लो ये जो बड़ा सा स्किन सा है ना ये इम्यून सेल है बैक्टीरिया आएगा जैसे बैक्टीरिया आएगा तो ये जो बड़ा सा सेल है ये इसकी सारी बाउंड्री है ये वहां से उसको इनविजिनेट करेगा अपने आप को सेल मेम्ब्रेन में अंदर जाएगी ये ये अंदर आ गया इस तरह बाहर से ये लेयर बंद हो जाएगी तो इस तरह एक सर्कल के अंदर उसने बैक्टीरिया को क्या कर लिया बंद कर लिया उसके बाद वो लाइसो लाइसोसो हम आपको पता है बॉडी का एक पार्ट होता है जिसके पास डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं तो ये उसको अंदर जाएंगे उसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइन को रिलीज कर देगा जिसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया वो सारा किल हो जाएगा ठीक है और इस तरह की एक उसके पेरेंट आ जाएगी इसको यहाँ पे लगेगा और सोलेबल डेबरेज ये क्या आ जाएगा साथ में सोलिबल डेबरिस होते हैं जो बच्चा को जिसको आप जैसा खरींट कहते हो ना जख्म के ऊपर खून जम जाता है कहते होते थे ठीक है तो वो जो है वो यहाँ से स्किन के साथ लगेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा रिलीज आउट हो जाएगा और जिसको जो दूसरे सेल एज एन फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वो बॉडी से स्कीट आउट हो जाएगा और ये सारा का सारा डेब्रिस जो है ये नुकसानदेह नहीं होता ये नॉन हार्मफुल होता है तो ये फैगोसाइटोसिस होती है ठीक है तो फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है और लोकलाइज्ड फेगोसाइट अट्रैक्ट एन अदर फेगोसाइट टू डेट साइट तो बेसिकली क्या होता है आपको पता है कि बॉडी के अंदर टिश्यूज हैं तो हर आप जैसे मसल सेल्स हैं बॉडी के अंदर आपके हाथ हाथ की मिसाल देते हैं हाथ पे होगा जख्म ठीक है या यहाँ से किसी बैक्टीरिया ने एंट्री मार ली तो यहां अब देखो आपकी पूरी बॉडी के अंदर फेगोसाइट्स होते हैं फेगोसाइट से मुराद है फेगोसाइटोसिस करने वाले सेल्स कौन कौन से सेल्स होते हैं मैं लास्ट पे बता दूंगा ठीक है तो फेगोसाइटोस वो हो गए जो कि सेल को जो कि बाहर वाले जो भी बैक्टीरिया या जो भी इन्वेडर है उसको इनगल्फ कर सकते हैं उसको खा के अपने अंदर ले जाएंगे और वहां उसकी तबाही फेर के उसको बाहर निकाल देंगे ठीक है घर बुला के मेहमान को कुटेंगे ठीक है वो वाला मैकेनिज्म होगा तो ये जो फेगोसाइटोसिस है केमिकल सिग्नल ये अब क्या होगा जो बैक्टीरिया इंसर्ट हो गया बॉडी में उसकी वजह से भी केमिकल सिग्नल रिलीज होंगे और जो जहां लोकेशन है जो जो इंजरी साइट है या जो डैमेज साइट है वहां पे जो पहले से फेगोसाइटोसि फेगोसाइट्स मौजूद होंगे वो अपना काम तो शुरू करेंगे ही करेंगे लेकिन वो केमिकल सिग्नल भी रिलीज कर देंगे ताकि बाकी फेगोसाइट्स भी आ जाए यानी कि वो खुद उनको मारना शुरू कर देंगे और साथ में कह देंगे कि मेरा बड़ा भाई भी आ रहा है तो वो अपने भाइयों को भी बुला लेंगे कि आके इनकी ऐसी हैं हम लड़ाई करते हैं ठीक है तो ये फेगोसाइट, फेगोसाइट लोकलाइज फेगोसाइट्स होते हैं और दूसरे जो है वो दूसरी जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं वो स्पेसिफिकली उस बॉडी साइड पे आके एकट होते हैं और काम करते हैं मिसाल के तौर पर फेगोसाइट्स में कहते हैं डब्ल्यू बहुत सारे डब्ल्यू बीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स में एक टाइप है मोनोसाइट्स दे आर द लार्जेस्ट फेगोसाइड्स विद न्यूक्लियस ये एक टाइप आप कर सकते हो कि ये सबसे बड़े जो हैं वो होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस किडनी की तरह का होता है और एक लीटर खून के अंदर छह बिलियन डब्ल्यू होते हैं ठीक है वाइट बर्स सेल्स जनरल प्रोटेक्टिव सेल्स हैं सारे के सारे डब्ल्यू जो है वो फेगोसाइड्स नहीं होते ठीक है इनमें से एक मोनोसाइट्स हैं और एक और टाइप है माइक्रोफेजिस आर न्यूट्रो जो फेगोसाइट्स ठीक है

प्रोसेस में चलती है पहले एक फिर दो फिर तीन और वो प्रोसेस में चलते हुए जो है वो आगे काम करते हैं तो अगर सर ने ना पढ़ाया तो सर होप्स तो पढ़ाएंगे तो तभी हम उसको कवर करेंगे अगर नहीं पढ़ाएंगे तो हम एक लास्ट जो है ना एज अ लर्निंग लेक्चर हम रखेंगे कि अच्छा जो चीजें मिस कर दी गई हैं और इंपॉर्टेंट है तो वो हम उसको करेंगे ताकि आपका नॉलेज में इजाफा रहे एंटी माइक्रोबल प्रोटीन अगर बैक्टीरिया के खिलाफ होंगी तो बात है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और अगर वायरस के खिलाफ आप काम कर रहे हैं बॉडी तो वो इंटरफेरॉन कहलाएंगे यानी कि बैक्टीरिया के खिलाफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और वायरस के खिलाफ इंटरफेरॉन प्रोटीन और चौथा मैकेनिज्म इम्यूनिटी का है फीवर बुखार हो जाता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर टू स्टॉप पैथोजन और जाहिर सी बात है यू नो दैट कि पैथोजन जो है या बैक्टीरिया जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ग्रो कर सकता है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम कर सकता है तो दो से तीन डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो बॉडी जो है वो क्या करती है बॉडी के सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं इंजाइम फंक्शनिंग तेज हो जाती है और जब तेज फंक्शनिंग हो जाती है तो पैथोजन को किल करना आसान हो जाता है और पैथोजन की अपनी फंक्शनिंग भी स्लो हो जाती है दूसरी तरफ चलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो है वो हम कर लिए एक्टिव इसके अंदर दो तो तरह की इम्यूनिटी होती है एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी हो जाती है पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली ये है एक चीज होती है कि आपके जिसमें बैक्टेरिया आया बैक्टेरिया आया और उसके खिलाफ बॉडी ने खुद सीखा खुद काम किया तो दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी खुद काम किया और सीखा मतलब पहले मारे फिर सीखा फिर उसको याद रखा दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई इसके अंदर क्या हुआ पै पैथोजन आया और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई

क्योंकि पहले से बनी पड़ी है एंटीबॉडीज क्विक होता है लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होता दूसरे केस में जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि एंटीबॉडीज पहले रिकॉग्नाइज करेंगे फिर एंटीबॉडीज बनेंगी और जो बन जाएंगी वो बड़े अरसे तक रहेंगी ठीक है पैसिव इम्यूनिटी की मिसाल में वो कहता है ट्रांसप्लेंटल ट्रांसप्ले प्ले, प्ले सेंटर होता है वो पॉइंट जिसके थ्रू मदर बेबी अटैच होते हैं तो मदर से जो है वो एंटीबॉडीज बेबी की उसमें चली जाती है बॉडी में जिससे वो पहले से एंटीबॉडीज उसके अंदर मौजूद होती है और जैसे ही अगर वो बर्थ के बाद उसको कोई हल्का फुल्का

कहता है ट्वेंटी परसेंट है टोटल लिम्फोसाइट्स का टोटल लिंफोसाइड का ट्वेंटी परसेंट बी सेल्स हैं और अस्सी परसेंट इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं अच्छा टी सेल्स हैव टी सेल्स रिसेप्टर टी सेल्स के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि वो इसको डिफरेंशियट करते हैं तो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि अटैच uh, हो सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं पैथोजन को तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं टी सेल्स पे जो कि एबल uh, जो कि हेल्प आउट करते हैं टी सेल्स को रिकगनाइज करने में इनको डिस्टिंग्विश करने में फ्रॉम अदर सेल्स और लास्ट द इम्यून सिस्टम एंड इन्फ्लेमेशन आर प्रोटेक्टिव आर प्रोटेक्टिव इन्वाजम्स बट कैन डैमेज होस्ट सेल सेकेंडरीली बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन हुई है ये एक किस्म से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था मैंने अभी समझा के अटाऊ की इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी को पता लगता है अदर सेल्स को पता लगता है कि देर इज सम काइंड ऑफ इशू तो वो आते हैं तो थोड़ी बहुत जो इन्फ्लेमेशन है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन हो जाए बॉडी अपना कंट्रोल खो बैठे और इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाए सोजिश बढ़ती जाए बॉडी के अंदर तो वो क्या होती है वो हार्मफुल होती है तो वो कहते हैं कि जो अडाप्टिव इम्यून सिस्टम है इसी तरह जो अडाप्टिव इम्यून सिस्टम है इसके अंदर टी सेल्स होते हैं टी सेल्स क्या करते हैं ये उन सेल्स को किल करते हैं गोलियां मारते हैं थर 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 धर खत्म करते हैं उनको ठीक है तो अगर ये भी ओवर एक्टिव हो जाए तो ये अपने सेल्स को भी मारना शुरू कर दे यानी कि बॉडी के खून के सेल्स या बॉडी के सेल्स को खत्म करना शुरू कर दे तो कहते हैं इन्फ्लेमेशन एंड अडाप्टिव इम्यूनिटी बोथ ऑफ देम आर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लेकिन अगर ये ओवर एक्टिव हो जाएंगे तो ये सेकेंडरी तौर पर हॉस्ट की बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं की बात करें तो इन्नीट इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स जो है वो क्विक रिस्पॉन्स होता है लेकिन इसकी मेमोरी नहीं होती क्योंकि इसके अंदर नए सेल्स नहीं बने बनी बने पहले से मैकेनिज्म है स्किन बनी बनाई या फौरन से उसको रोक सकते हैं लेकिन मेमोरी कोई नहीं होती अगली बार जब बैक्टीरिया आएगा या कुछ भी आता है तो इनट इम्यूनिटी दोबारा उसको वैसे ही रिस्पॉन्स देगी जैसा उसने पहले दिया था लेकिन दूसरी तरफ जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्लो रिस्पॉन्स देती है क्योंकि उसने एंटीबॉडीज बनानी भी है या टी सेल्स से तो उन्होंने मारना भी और याद भी करना है लेकिन जब वो याद कर लेंगे तो रिस्पॉन्स स्लो होगा हो लेकिन उनके पास मेमोरी होगी जैस जब नेक्स्ट टाइम कोई बैक्टीरिया या कुछ आएगा तो वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स देंगे और जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे ठीक है बनस्बत इसके कि जब पहली टाइम जो है वो उन्हें क्योंकि बैक्टीरिया का पता ही नहीं था या वायरस का पता ही नहीं था कि किस तरह के है तो उन्होंने टाइम लिया नेक्स्ट टाइम वो टाइम कम लेंगे और रिस्पॉस जो है वो स्पेसिफिक होगा ऐसी जनरल रिस्पॉन्स नहीं होगा आगे न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी का लिंक आ गया तो मेल्यूट्रेशन इज लीडिंग कॉज ऑफ वीक इम्युनिटी मैल्यूट्रेशन जब वो बेसिकली क्या करती है इम्यूनिटी को वीक कर देती है और जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो इंसिडेंस एंड ये दोनों लफज आपने याद रखने हैं इसके अंदर इंसिडेंस और सिवेरिटी दोनों चीजें जो है ना इन्फेक्शन की बढ़ जाती है बाय बैक्टीरिया या वायरस बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से इंसिडेंस होता है चांसेस uh, और सिवियरिटी होता है उसकी uh, शिद्दत तो चांसेस और शिद्दत दोनों ही बढ़ जाते हैं इंफेक्शन के ठीक है अब माइक्रो इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं है? मैन्यूट्रिशन के अंदर डेफिशिएंसी भी डेफिशियंट्रेशन का बेसिक मतलब होता है या तो डेफिशिएंसी या एक्सेस ऑफ 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 न्यूट्रिएंट 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 डेफिशिएंसी या एक्सेस तो डेफिशंसी न्यूट्रिएंट की पहले मिसाल देता है दोनों तरह के न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट भी भी और माइक्रो माइक्रोन्यूट्रेंट आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए का प्रोटीन एंड फैट माइक्रो न्यूट्रिएंट आप पढ़ रहे हो अब मिनरल्स एंड विटामिंस तो ये पांच ही होते हैं जो मेन मेनली न्यूट्रेंट हैोन न्यूट्रेंट के अंदर कैलोरीज यानी कि जो कैलरीज से क्या है कार्ब्स एंड फैट दोनों ही हाई इन कैलोरीज होते हैं ना और बेसिक सोर्स भी होता है एनर्जी का और दूसरी तरफ प्रोटीन है अगर ये दोनों कम हो जाएंगे तो भी या वाइटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी या ओवर न्यूट्रिशन हो जाए इन दोनों का एक्सेस हो जाए या माइक्रोन्यूट्रेन का एक्सेस हो जाए या माइक्रो न्यूट्रेन का एक्सेस हो जाए तो ऑल ऑफ दीज कंडीशन आर एज टर्म न्यूट्रिशन एंड मेल न्यूट्रिशन लीड टू लोअर इम्यूनिटी दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आगे वो मिसाल दे रहा है नमूनिया और मीजल्स वो कहता है कि ये देखा गया है कि नमूनिया और मीजल्स जैसी जो बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से होती हैं और वायरस वायरल की वजह से होती हैं दे आर वेरी लो और वेरी लेस इन वेल नॉरिश पीपल कि जिनकी न्यूट्रिशन नु, नु, ठीक है उनके अंदर इसके चांसेस बहुत कम है अगर ये जो फाइल है ये ने आप लोगों को सेंड की थी ये एक काइंड ऑफ कंपेरिजन है इसके अंदर आयरन वो कहता है आयरन न्यूट्रिय माइक्रो है

कि बेसिकली आपस जो रिएक्टिव ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो एक एक किस्म से समझ लो केमिकल समझ लो ऐसा केमिकल है जो कि इन्वेडर्स के खिलाफ फौरन से काम करता है और उनकी उनकी जो लेयर होती है जो, जो आउटर कवरिंग होती है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है रिएक्टिव होता है ना तो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके उनको डैमेज हो जाता है ठीक है और उसके अलावा आगे लिखी लिखे डेफिशिएंसी कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं एनीमिया है फेलनेस होता है स्किन का कलर येलो येलो हो जाना फटीक थकान होती है और बहुत सारे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है इम्यून इश्यूज के अंदर क्या है कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो रिड्यूस्ड फेगोसाइट एक्टिविटी फेगोसाइट में समझा चुका हूँ उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी इम्पेयर टी सेल रिस्पॉन्स टी सेल का रिस्पॉन्स इंपेयर हो जाएगा और रिड्यूस आईजी लेवल आईजी होते हैं इम्यूनोग्लोबिन आईजी स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबिन और इम्यूनोग्लोबिन जो है वो एंटीबॉडीज बनाती हैं तो यानी कि इन शॉर्ट फेगोसाइड्स बेसिकली इम्यूनिटी में थे और टी और बी सेल जो थे वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में थे तो आयरन की की डेफिशिएंसी वजह से दोनों के दोनों इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। uh, भी फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी भी वीक हो जाती है और टी सेल्स और बी सेल्स दोनों ही वीक हो जाते हैं आई जी लेवल का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन यानी कि बी सेल्स आरडीआई डी आई इसकी डेली रिक्वायरमेंट वो सात से अठारह एम जी पर डे है अगर सेलिनियम आ गया ये टी और बी साल की एक्टिवेशन के लिए होता है उसके अलावा आर ओ एस ये भी प्रोड्यूस करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन अगेंस्ट अगेंस्ट अगेंस अगेंस इन्फेक्शन और स्टिमुलेट जनरल इम्यून रिस्पॉन्स और कोई भी इन्वर्डर आता है तो उसके खिलाफ एक जनरल रिस्पॉन्स जो भी है इम्यून रिस्पॉन्स उसके लिए सिलीनियम की जरूरत होती है और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन हो जाएंगे और मसल एचिस मसल पेन एचिस कहते हैं पेन को तो मसल के अंदर जो है वो दर्द बहुत ज्यादा होती है ठीक है तो ये चीजें जो है इसकी डेफिशिएंसी की से हो रही होती है इम्यून वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं जो कि नेचुरली जो कि इन्वेडर्स को मारते हैं तोड़ते हैं उनको ठीक है तो इस तरह के जो सेल्स हैं वो उनकी भी आ, उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी उनकी फंक्शनिंग जो है वो लो हो जाएगी अगर की डेफिशिएंसी हुई हो और लॉस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हॉस्ट डिफेंस एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम एक प्रॉपर डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर बाद में पढ़ेंगे इसको अभी नहीं कवर करेंगे ठीक है इसके अंदर तीन एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर जो कि एंटी ऑक्सीडेंट यानी कि अगेंस्ट वायरल और बैक्टीरियल टॉक्सिन उनके खिलाफ काम करते हैं ठीक है और सिलीनियम के आगे आरडीए लिखी हुई ट्वेंटी फाइव एम जी पर डे उसके अलावा सिलेनियम जो है साइटोकाइन रिलीज में भी काम करता है साइटोकाइन आर बेसिकली इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स साइटोकॉइन आर इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स तो इनका काम यह होता है कि इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करके बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प आउट करती हैं कि इन्फ्लेमेशन हो गए तो बॉडी को पता लग जाता है कि देर इज सम काइंड ऑफ इशू ठीक है और साइटोकाइन अगर ओवर फंक्शनिंग करने लग जाए तो उसकी वजह से ओवर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और अगर और ओवर इन्फ्लेमेशन हो जाए दैट इज एज डिजीज नेक्स्ट कॉपर आ गया कॉपर भी बी और टी से टी और बी से रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है इसके अंदर आई एल टू प्रोडक्शन है आई एल टू क्या है मैं लास्ट में बताता हूँ प्रोमोट फेगोसाइड फंक्शन फेगोसाइड को फंक्शन को बताता है अच्छा इसकी डेफिशिएंसी की वजह से न्यूट्रोपिनिया होता है न्यूट्रोफिल्स होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है है इम्यून सेल्स उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी एनीमिया भी हो सकता है कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि दिमागी बीमारियां हो जाती हैं रिड्यूस फैगोसाइटिक रिस्पॉस हो जाएगा न्यूट्रोपीनिया डेफिनेटली रिड्यूस टी सेल रिस्पॉन्स हो जाएगा और लो डब्ल्यू बी सी इतना मुश्किल नहीं है ऑलमोस्ट एक जैसे ही सारों के अंदर पॉइंट्स uh, तो आप इसको लिख सकते हो जिंक जो है वो स्टिमुलेट करता है टी सेल की प्रोडक्शन को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फेगोसाइड्स को तो जिंक इज वेरी नेसेसरी फॉर इम्यून फंक्शन क्योंकि ये टी सेल की प्रोडक्शन भी कर रहा है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो कि मैंने ऊपर बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होती है बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है उसके खिलाफ भी काम कर रहा है और फेगोसाइड्स जो कि नेट इम्यूनिटी का पार्ट है और जनरल रिएक्शन शो करते हैं तो उसके खिलाफ भी काम कर रहा है रिड्यूस रिस्क ऑफ निमोनिया निमोनिया का रिस्क बचाता है कॉमन कोल्ड जो ये जुकाम हो जाता है इसकी भी इस सिम्टम्स को रोकता है और इन्फेक्शियस डायरिया उसके खिलाफ भी काम करता है उसके अलावा एंटी ऑक्सीडेंट इन्फ्लेमेटरी कंट्रोल एंटी ऑक्सीडेंट भी है और इन्फ्लेमेटरी कंट्रोल भी है कि इन्फ्लेमेटरी कंट्रोल से मराते हैं कि ओवर इन्फ्लेमेशन को बचाता है और इसकी बीमारी की वजह से स्किन लेजियस होंगे हेयर लॉस होगा लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल हो जाएगा डायरिया इन्फेक्शन है पुअर बोन्ड हीलिंग ठीक है तो मोस्टली स्किन से रिलेटेड है स्किन लेजियंस भी स्किन से रिलेटेड है हेयर लॉस भी स्किन की वजह से हो रहे होते हैं भूड हीलिंग जो जख्म का ना भरना जख्म भी स्किन पे ही होंगे तो वो भी स्किन से रिलेटेड है ठीक है बाकी डायरिया इंफेक्शन और लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल इसके अंदर जो है वो कहता है कि अगर इम्यून रिलेटेड इश्यूज क्या है इम्पेयर्ड फेगोसाइड लोअर टी एंड बी सेल्स इंक्रीज एस्पेक्टिबिलिटी टू इंफेक्शन इम्पेयर नेचुरल सेल एक्टिविटी ये भी नेचुरल सेल की एक्टिविटी को कम कर देगा और इसके आगे आर लिखी हुई है ये कुछ टर्म्स हैं जो कि ऊपर इस्तेमाल हुई है एंटीबॉडी एंटीबॉडी बेसिकली क्या होता है एंटीबॉडी कहते हैं आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन अभी मैं समझा के हटा हुआ ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी जब आप गूगल करना तो आपको एक वाई शेप स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसके दो स्टैंड होते हैं और बेस एक होती है ना तो ये एक प्रोटीन होती है जो कि इम्यून सिस्टम इस्तेमाल करता है ताकि फॉरन ऑब्जेक्ट जो भी पैथोजेनिक बैक्टेरिया जो बाहर से कोई भी चीज आ रही है उसके खिलाफ काम कर सकें कौन प्रोड्यूस करेगा बी सेल्स और बी और टी सेल्स अभी हमें मैंने बताया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ना तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं बी सेल्स एंड टी सेल तो बी सेल जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और टी सेल स्पेशल टाइप ऑफ किलर सेल्स होते हैं वो खुद ब खुद जाके फौजियों की तरह लड़ते हैं आगे आगे नेचुरल किलर सेल ये साइटोटॉक्सिक टौक, लिम्फोसाइटिक क्रिटिकल होते हैं मतलब ये ऐसे सेल्स हैं जो कि जो किलर सेल्स अभी मैंने बताया ना जो डायरेक्टली सामने वाले सेल्स के साथ उनके ऊपर केमिकल्स रिलीज करके या उनको जो है वो उनके ऊपर एक्शन करके उनको मार सकते हैं तो ये वो सेल्स होते हैं

हमने ऊपर पढ़ा अभी कि जब इन्फ्लेमेशन हो रही होती है या इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म होता है या इंजरी साइड से केमिकल सिग्नल रिलीज होते हैं जो कि जाके अदर वाइट ब्लड सेल्स या अदर सेल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन आ गया है तो आपने जाके काम करना है तो वो क्या होते हैं इंटोलिक्विन टू ही होते हैं इस तरह के और भी हैं थ्री भी है गेमा भी है इंटरलिकिन गेमा भी है तो इस तरह करके और भी बहुत सारे हैं तो वो डिफरेंटली जो है वो अपना वर्क करते हैं लेकिन सारे के सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं सारे के सारों का काम यही है कि जाके बाकी सेल्स को रिस्पॉन्ड करवाना आगे आगे न्यूट्रोपिनिय न्यूट्रोपिनिय जब एक काइंड kind ऑफ of बीमारी है जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनकी कमी हो जाती है न्यूट्रोफिल मेकअप ऑफ द मेजोरिटी ऑफ सर्कुलेटिंग वाइट ब्लड सेल्स सर्व एज सेल प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बैक्टीरिया बैक्टीरिया फ्रेगमेंट एंड इम्यूनोग्लोबिन बाउंड वायरसेस इन द ब्लड न्यूट्रोफिल कहते हैं कि मोस्ट पोर्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स आर न्यूट्रोफिल तीन काम है इसके तीन तरीका है वारदात इसके तीन है पहला तरीका वारदात क्या है कि ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को बैक्टीरिया को मारेगा डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर दे दूसरा बैक्टीरियल फ्रेगमेंट के पहले से साइटोटॉक्सिक सी सेल जो थे दूसरे टी सेल से उन्होंने बैक्टीरिया के टोटे टोटे कर दिए और ये उन टोटों को भी खत्म कर देगा जो उसके टुकड़े हो चुके हैं उनको भी ये खत्म कर देगा और थर्ड पार्ट है इम्यूनोग्लोबिन बाउंड वायरसेस से मुराद है एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज तो एंटीबोड़ी क्या करेंगी को बाउंड कर लेंगी उसके खिलाफ काम नहीं करेंगी उनको बाउंड करके रखेंगी ताकि वो मजीद खराबी ना कर सकें और फिर न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे न्यूट्रोफिल्स आके क्या करेंगे आके उसके खिलाफ जो है वो काम करेंगे यानी कि उनको तबाह कर देंगे अब न्यूट्रोफिल्स क्या करता है जो कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है ना आ, उसका जो आपका एंटीबॉडी एंटीबॉडी और वो जो सेल जो है बैक्टीरियल सेल्स उसके साथ जो कंप्लेक्स बन चुका होता है तो वो उसको वो उसको आ, क्या करता है उन दोनों को ही खत्म कर देता है न्यूट्रोफिल जो है वो बैक्टीरिया या जो भी इन्वेडर है और जो कंप्लेक्स बन चुका है वायरस

तीन चार सेल्स है ना न्यूट्रोफिल बेसोफिल असिनोफिल और मोनोसाइट ये चारों के चारों मेनली पार्ट होते हैं इन इम्यूनिटी का किसका पार्ट होते हैं इन इम्यूनिटी का और जो नीचे वाले हैं लिंफोसाइट और प्लाज्मा सेल्स दे आर द मेनली पार्ट ऑफ तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी अब लिम्फोसाइट में हमारे पास होते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स अलग से होते हैं जो कि आगे इस काम में आते हैं अच्छा आगे फेगोसाइटोटिक लिखा हुआ है पहले दो कॉलम के लिए यानी कि न्यूट्रोफिल एंड असिनोफिल दे आर मेनली फेगोसाइटोटिक टिक और बेसोफिल और मोनोसाइट हैं ये आपके आते हैं एलर्जिक रिएक्शन के खिलाफ ठीक है एलर्जिक रिएक्शन जितने भी होंगे उनमें मेनली बेसोफिल और मोनोसाइट काम करते हैं लिम्फोसाइट आगे दे आर डेफिनेटली एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ठीक है और प्लाज्मा सेल जो है एक्टिवेटेड बाय बी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल जो है ये बी लिम्फोसाइट में बनते हैं एक्टिवेटेड दे एक्टिवेट बेसिकली एक्टिवेटेड बाय नहीं आना दे एक्टिवेट बी लिंफोसाइट और आगे जो के बी लिंफोसाइट होते हैं वो आगे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं और एंटीबॉडीज आगे काम कर देती हैं ठीक है तो ये दोनों जो हैं वो ये ये देते हैं इसके आगे मैं लिख देता हूं लिम्फोसाइट के अंदर टी सेल्स बी एंड टी सेल्स ठीक है तो दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट स्लाइड्स ये आपको समझ आ गई होगी और अगर कोई क्वेश्चन है तो दो मिनट तक हम मैं एक मिनट तक देख रहा हूँ उसके बाद मीटिंग एंड कर दूंगा एंड इसका कल हमारा टेस्ट हो जाएगा इसका इस पूरी डेढ़ दो पेज का मैं एक मिनट तक जो है ना वो देख रहा हूँ अगर नहीं आया तो यू हैव टू राइट ओके इन द चैट बोरिंग तो नहीं था टी सेल्स इन सिंपल वर्ड समझा देता हूँ टी सेल्स आम अल्फाज में uh, आप ऐसे समझ लो कि ये जो हमने किया ना लिम्फोसाइट्स ये जो लिम्फोसाइट यहाँ पे किए इनकी आगे दो टाइप्स होती हैं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट तो सेल्स होते हैं जैसे आपके खून सेल चल रहे हैं ना अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर उसका मुझे मिल जाए तो मैं आपको समझा सकता था टी लिम्फोसाइट जो है ना वो काइंड ऑफ सेल्स ही हैं। ठीक है वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है जो कि तीन तरह की होती है ठीक है टी इम्फोसाइड आगे तीन तरह के होते हैं एक होता है किलर सेल जो कि मारते हैं दूसरे होते हैं हेल्पर सेल जो इनकी मदद करते हैं और तीसरे होते हैं सप्रेसर सेल जो टी सेल को ओवर फंक्शनिंग से बचाते हैं वो स्टार्ट में कहा था ना कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी ओवर फंक्शनिंग भी कर सकती है तो बेसिकली ये सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स समझ लो ठीक है वाइट ब्लड सेल्स की ही आगे टाइप है जो कि इन्फेक्शन के, के खिलाफ इस तरह काम करती है इज दैट क्लियर जल्दी बताना मीटिंग एंड हो जानी है वरना